हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रेहान और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल रेहान ऑटोमोबाइल में। तो मैंने एक वीडियो बनाया था ओला कार के ऊपर में, जो कि देख सकते हैं कि ये है कमर्शियल कार। तो बहुत सारे लोग कॉल कर रहे थे और बोल रहे थे कि सर मुझे ये कार ख़रीदना है, और उन लोगों को ये नहीं पता है कि कमर्शियल कार क्या होता है और प्राइवेट क्या होता है। तो आज मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूँ कि ये जो कार है मेरा ओला में चलता है, ये कमर्शियल कार है, और ये मेरा घर का कार है, ये प्राइवेट कार है। तो आज मैं आप लोगों को डिफरेंस बतलाने वाला हूँ कि प्राइवेट कार क्या होती है और कमर्शियल कार क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डिफरेंस पता नहीं होता है और गलती में वो लोग कमर्शियल कार भी ख़रीद लेते हैं, पेपर इनकम्प्लीट रहता है तो उनको काफ़ी नुकसान होता है। तो इसलिए आज मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि कमर्शियल कार क्या होता है, कमर्शियल कार में कितने पेपर होते हैं, और प्राइवेट कार क्या होता है और प्राइवेट में कितने पेपर होते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप लोगों को बाइक और कार से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन मिलते रहे, और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ प्राइवेट कार के बारे में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल बतलाने वाली होती नहीं है। प्राइवेट कार सबके घर में होते हैं, सब यूज़ करते हैं। प्राइवेट कार का जो नंबर प्लेट होता है वो वाइट होता है, और इसमें जो पेपर लगते हैं वो ज़्यादा पेपर नहीं लगता है। इसमें इंश्योरेंस होता है, पोल्यूशन होता है, और एक आरसी होता है। और आरसी में जनरली देखना ये होता है कि उस कार का टैक्स कितना वैलिड है, और न्यू कार जो हम लोग ख़रीदते हैं तो उसी समय में उसका टैक्स पेड किया जाता है 15 साल के लिए। तो जब आप सेकेंड हैंड कार ख़रीदते हैं, प्राइवेट कार ख़रीदते हैं, तो इंश्योरेंस के साथ साथ आप आरसी चेक करें और उसमें चेक करें कि इसका टैक्स वैलिड कितना है। तो ये हुआ प्राइवेट कार के बारे में। प्राइवेट कार में बहुत ज़्यादा होता नहीं है, एक आरसी है। आपको टैक्स देखना है कि टैक्स वैलिड कितने दिन तक है। जनरली 15 साल के लिए टैक्स पेड किया हुआ रहता है, और पोल्यूशन देखना है। अगर ये सारे पेपर हैं तो आप आराम से प्राइवेट कार खरीद सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बतलाता हूँ कमर्शियल कार के बारे में, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो नंबर प्लेट है वो येलो है, और कमर्शियल कार का नंबर प्लेट येलो होता है, और इसमें बहुत सारे पेपर होते हैं। जैसे कि अगर छोटी कार देखते हैं तो ये ओला में चलता है, इस तरीके से ओला में आपको ईओन मिल जाएगा, डिज़ायर मिल जाएगा, एक्सेंट मिल जाएगा, बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है। उसके बाद कमर्शियल में बोलेरो चलता है, स्कॉर्पियो चलता है, इनोवा चलता है, जो ट्रेवल एजेंसी वाले चलाते हैं। उसके बाद आप देखते होंगे बोलेरो पिकअप है, या मैक्सी ट्रक है, या फिर बड़ा ट्रक है, बस है। तो ये सारे कमर्शियल में आते हैं, और उनके जो नंबर होते हैं येलो नंबर प्लेट होते हैं। तो कमर्शियल कार का पेपर के बारे में मैं आप लोगों को बतलाता हूँ। लगभग इसमें 6 पेपर आते हैं टोटल, और सबसे पहला जो होता है वो है इसका परमिट। और परमिट 2 तरह का होता है। एक परमिट होता है स्टेट परमिट, जो कि ओला और उबेर में जितने लोग चलाते हैं या लोकल चलते हैं वो लोग अपना स्टेट परमिट बनवाते हैं, और ये 5 साल के लिए होता है। तो एक होता है स्टेट परमिट, जो कि आप लोगों ने बिल्कुल समझ लिया होगा। इसी तरीके से ऑल इंडिया परमिट होता है, जो अपने टूर एंड ट्रेवल्स वाले जो पूरा इंडिया में जाते हैं, या जो ट्रक है या बस है या जो बाहर जाते हैं, वो लोग अपने लिए ऑल इंडिया परमिट बनवाते हैं, और ये फर्स्ट टाइम में 5 साल के लिए बनता है। तो इस तरीके से परमिट के बारे में मैंने आप लोगों को बतला दिया। उसके बाद आता है इसका फिटनेस। फिटनेस भी जनरली 2 साल के लिए बनता है, उसके बाद वो रिन्यूअल होते रहता है। यानी कि कार का फिटनेस देखा जाता है कि कंडीशन कैसा है, उसके बाद उसका फिटनेस बनता है। उसके बाद आता है टैक्स। तो टैक्स पहले जनरली क्या होता था, 3-3 महीना के लिए डलाता था, उसके बाद गवर्नमेंट ने इसे बंद कर दिया, और उसके बाद 10 साल के लिए कर दिया। तो बहुत सारे लोग अपने कार का टैक्स नहीं डाल पा रहे थे, तो फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट ने क्या किया कि आप अभी फ़िलहाल 1 साल का टैक्स डाल सकते हैं। तो इसमें एक पेपर होता है टैक्स, तो टैक्स भी देखना पड़ता है। उसके बाद बात आता है इंश्योरेंस का। तो इंश्योरेंस भी जो कमर्शियल कार का होता है वो जस्ट डबल होता है। अगर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो इसका इंश्योरेंस अगर हम कराते हैं तो 3 से 4 हज़ार लगेगा, लेकिन अगर हम वही ईओन का इंश्योरेंस कराते हैं तो 12 से 14 हज़ार के आसपास इंश्योरेंस लगता है। यानी कि कमर्शियल कार का जो इंश्योरेंस होता है वो भी काफ़ी महंगा होता है। उसके बाद इसका आपको बनवाना होता है पोल्यूशन। तो पोल्यूशन जनरली 6 मंथ के लिए बनता है, और उसमें ज़्यादा नहीं लगता है, वो 100-150 में पोल्यूशन बिल्कुल बन जाता है। उसके बाद कमर्शियल कार में एक और पेपर का ज़रूरत पड़ता है, जिसको स्पीड गवर्नर बोलते हैं, या स्पीड लिमिट का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो वो भी बनवाना पड़ता है।
तो इस तरीके से देखा जाए तो कमर्शियल कार में लगभग 6 पेपर होना बहुत ज़रूरी है, तब जा कर के आप फ्री होकर के बाहर चल सकते हो, आपका फ़ाइन या चलान नहीं होगा। तो मैंने आप लोगों को पेपर के बारे में बतला दिया कि कमर्शियल कार का क्या क्या पेपर लगता है और प्राइवेट कार का क्या क्या पेपर लगता है। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता नहीं होता है, और जो भी कमर्शियल कार का पेपर फेल होता है, चाहे वो सेल कर रहे हो, चाहे वो बोलेरो हो, इनोवा हो, डिज़ायर हो, इंडिगो सीएस हो, अगर पेपर उसका फेल होता है तो कार का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए वो लोग बहुत कम कीमत में सेल करते हैं, और कमर्शियल कार का जो कस्टमर होता है बहुत मुश्किल से मिलता है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि कमर्शियल कार में क्या क्या पेपर का रिक्वायरमेंट होता है। उनको लगता है कि बस कार है तो ख़रीद लेते हैं, तो इस तरीके से उनको नुकसान होता है। तो मैं आप लोगों को ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जब भी आपको कोई ऐसी कार मिले, कमर्शियल कार मिले, तो उसका पेपर चेक करें, और अगर आपको पर्सनल यूज़ करना है तो कमर्शियल कार बिल्कुल ना ख़रीदें, आप पर्सनल कार ख़रीदें। और अगर गलती से कहीं आपको ऐसा मिल जाए कोई कार कि लग रहा है कि वो कम कीमत में मिल रहा है, तो पहले उसका पेपर चेक करें, क्योंकि इसका सारा पेपर कंप्लीट रहेगा कमर्शियल कार का, तभी जा कर के आप नाम ट्रांसफ़र करा सकते हो, अदरवाइज़ नाम ट्रांसफ़र भी नहीं होता है जल्दी से। तो मेरा ये कहना है कि जब आप कोई कार खरीदो, अगर पर्सनल ख़रीद रहे हो तो ठीक है, और अगर आपको कोई कमर्शियल कार मिलती है तो पहले आप उसका कंडीशन चेक करें, और कार से कंडीशन से ज़्यादा ज़रूरी होता है कमर्शियल कार में उसका पेपर चेक करना। तो पेपर के बारे में मैंने आप लोगों को सारा डिटेल बतला दिया। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो, आज की वीडियो आप लोगों को बिल्कुल अच्छी लगेगी, और जो मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ उसको आप बिल्कुल समझेंगे और उससे आपको फ़ायदा होगा। तो इसी तरीके से कार और बाइक से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को कार और बाइक से रिलेटेड अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिले। और मैं आप लोगों के लिए डीलर का भी वीडियो बनाऊँगा, न्यू कार्स का भी वीडियो बनाऊँगा, बाइक का भी बनाऊँगा, ताकि आप लोगों को बाइक और कार से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। अब होता क्या है कि मैं अगर डीलर का वीडियो बनाता हूं तो आप लोग कहते हैं कि उसका प्राइस ज़्यादा होता है, तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है कि डीलर का प्राइस क्यों ज़्यादा होता है, आप उसको बिल्कुल जाके देख सकते हैं। आज का वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।